हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो जैसा कि हम कहते हैं, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, तो कितने बच्चों को अपना बैकलॉग देख के लग रहा है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फील लाइक दिस? गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस कि यार, या तो मेरा तो कोई चैप्टर ही नहीं हुआ, मेरा ना लाइफ प्रोसेस हुआ है, ना मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ है, ना केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर हुआ है, मैं क्या करूं? और मेरे फ्रेंड ने तो सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया है सर। मैं तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा है, कैसे होगा, क्या होगा? ठीक है, विल आई बी एबल टू क्लियर बोर्ड्स? विल आई बी एबल टू गेट द स्ट्रीम विच आई वॉन्ट आफ्टर क्लास 10th? एंड सर, कोविड के टाइम में तो आई एम नॉट एबल टू स्टडी ओनली, और इतना सारा सिलेबस देख कर ही पसीने छूट जाते हैं। एंड आई डोंट फील लाइक स्टडिंग ओनली बाई लुकिंग एट सो मच ऑफ कंटेंट। यस, डू यू गाइस फील लाइक दैट? हाँ जी, कितने अच्छा लगता है? यस एग्जैक्टली गाइस, ट्रस्ट मी, इस टाइम पे दिस फीलिंग इज वेरी 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 कॉमन। ठीक है, आई वॉज गेटिंग अ मैसेज नाउ ऑल्सो कि भाई भैया कैसे करें इसको। यू नो सर, आई फील वेरी यू नो स्केयर अबाउट बोर्ड्स, बिकॉज आई फील आई हैव नॉट डन एनफ थिंग्स। मैंने मैथ्स में आई हैव नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, एंड मैथ्स में आई एम फीलिंग वेरी 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 टेंस्ड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। मेरे प्री यू नो हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत कम नंबर आए थे। ठीक है, सो इट हैज ब्रोकन माई कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शुड आई डू। बट आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू वन थिंग, इट जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल बट इट इज नॉट। यू कैन स्टिल वी हैव सो मच टाइम। मैं वो बता नहीं सकता कि कितना टाइम है आपके पास। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी विल टेल आवर सेल्फ, यस वी आर गोना डू इट। ठीक है, किसका बैकलॉग भी है, स्टिल वी विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, फर्स्ट थिंग टेल योर सेल्फ, यस आई विल बी एबल टू डू दैट। इवन इफ देयर इज बैकलॉग विद मी, आई एम गोना कंप्लीट द बैकलॉग एंड आई एम गोना रॉक माई क्लास 10th। ठीक है, बिकॉज वेदांतु इज विद यू गाइस, आई एम देयर विद यू गाइस, अभिषेक सर इज देयर विद यू गाइस, हर्ष सर इज देयर विद यू गाइस, अनुभव मैम इज देयर, राइट, एंड अंकना मैम इज देयर, श्वेता मैम इज देयर, राइट, गोपाल सर इज देयर, तो वी आर ऑल देयर विद यू, एंड अंबिका मैम इज ऑल्सो देयर, राइट, तो वी आर ऑल देयर विद अनूप सर। ओके, ओ माई गॉड, यस अनूप सर, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, तो वी आर ऑल देयर विद यू। ठीक है गाइस, तो वी आर गोना कवर द बैकलॉग, ऑल द बैकलॉग, वॉट एवर इज देयर, वी आर डेफिनेटली गोना कवर। ठीक है ना, कूल। तो गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 80% से कम नंबर आए। यू जस्ट स्टिक विद अस, यू जस्ट स्टिक विद अस, ट्रस्ट मी, आई एम गोना टेल यू, आई प्रॉमिस यू, यू आर गोना मतलब क्लियर दस यू नो बोर्ड विद फ्लाइंग कलर्स। यू गोट द नॉर्मल कलर्स, यू गोट द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो वेरी गुड। अब यू विल लाइक सर, चलो ठीक है सर, समझ आ गया, हम कर लेंगे, बट कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू इट? लेट अस, लेट मी टेल यू बेटा सर्टेन थिंग्स। लेट सी क्लास 10th में कितना है बेटा। जो सबसे बड़ा चैप्टर यूनिट है ये केमिकल सब्सटेंस वाला, इसमें 26 मार्क्स का आएगा। ये है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हमारा बायो वाला 23 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना ये यस ये आई गेस फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों मिलके आ जाता है। फिजिक्स में मोस्टली ज़्यादा आता है ना, रेनबो लाइट वगैरह ये सब, आई गेस दिस इज वॉट इट इज। देन इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स है ना बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज, ये बायो में मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि यू नो आई लव नेचर, आई लव यू गाइज। ठीक है, यू आर नेचर, आई एम नेचर, ऑल द टीचर्स आर नेचर, वेदांत इज नेचर, तो आई टीच नेचर। ठीक है, तो आई डू दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो दीज आर द चैप्टर्स है ना विच आर गोना कम। तो बेटा देखो, तो आई विल टेल यू पर्टिकुलरली कि चलो मान लो 90 डेज है, से वी हैव गॉट 90 डेज, 90 डेज एज इन अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है ना, 3 महीने हैं हमारे पास। ठीक है गाइस, दिसंबर तक ही हो जाएगा 90 डेज। तो मैंने ऐसे ही ले लिया ताकि आपको होप लगे, मतलब होप इन द सेंस ताकि आप घबराओ ना। ट्रस्ट मी, दिसंबर तक अगर आप लोग आज मेरी बात सुनते हो एंड इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग मी इन अ वीक और सो, बाई दिसंबर योर कोर्स विल बी कंप्लीट, यू कैन रिवाइज जनवरी फेब्रवरी में पूरा का पूरा। ठीक है, तो देख लो बेटा, जो केमिस्ट्री में पूरा का पूरा इस यूनिट से आता है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आई गेस यू नो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, एंड यस गाइस, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, एंड यस गाइस वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज विद अस। एंड गाइस, इस बार तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। ऑलरेडी मुझे लगता था 10th का कोर्स ऑलरेडी कम है, अब तो और कम हो गया। अब बस 3 चैप्टर आ रहे हैं यार, कैन यू इमेजिन, ओनली 3 चैप्टर्स आर कमिंग, दैट इज लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी इन बायोलॉजी एंड आर एनवायरमेंट। समझ पा रहे हो, 3 चैप्टर्स, एंड आई वुड टेल यू हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच टाइम यू विल नीड फॉर कवरिंग दीज 3 चैप्टर्स।
यस आई विल टेल यू हाउ मच टाइम यू विल नीड फॉर कवरिंग दीज थ्री चैप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल गाइस, लाइफ प्रोसेस में है क्या? देर आर ओनली फोर थिंग्स. एक है न्यूट्रिशन, है ना, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा क्या है हमारा बताओ? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. रिप्रोडक्शन में क्या है? दो चैप्टर आते हैं, दो पार्ट आते हैं. मान लो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बस ये छोटा सा है. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना बेटा. फिर हेरिडिटी में इस बार एवोल्यूशन हटा ही दिया है. हेरिडिटी में, हेरिडिटी बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होता था. हेरिडिटी रखा है, एवोल्यूशन हटा ही दिया, एवोल्यूशन बहुत बड़ा पार्ट था. ठीक है, हेरिडिटी में बस मेंडल्स मेंडल्स लॉ आएंगे बस. और गाइस, इसमें बस एक दो पुनेट स्कोर आएंगे. ये आप समझ लो बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है. आर एनवायरमेंट में दो तीन चीजें हैं गाइस. ओजोन के बारे में आता है, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में आता है. ये दो चीजों के बारे में पूछते हैं बस. ठीक है, वेस्ट को कैसे डंप करना है, ये तीन चीजें बहुत ही कॉमन चीजों के बारे में पूछते हैं. तो गाइस, क्लास 10th इज ऑल अबाउट अप्लीकेबिलिटी. और इस बार तो हमने देखा था ना, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे. देर विल बी केस स्टडी क्वेश्चन विच यू कैन रीड द पैसेज एंड आंसर, और अपने कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है कि अनलेस एंड अनटिल बच्चा खुद डेलिबरेटली अटेम्प्ट, मतलब खुद कहेगा कि मुझे फेल करो, मुझे फेल करो, तब तक वो फेल नहीं हो सकता. मतलब यू नीड टू अटेम्प्ट टू फेल, मतलब तभी आप फेल हो सकते हो. अगर आप जनरली आप कोशिश कर रहे हो तो आप फेल हो ही नहीं सकते. ठीक है, एंड आई गेस इट इज वेरी इजी टू स्कोर अबाउ 80%. द रियल फाइट इज गोइंग फ्रॉम 90 to 98, और 90 के ऊपर जाना है रियल फाइट. 60 to 80% तो गाइस हर किसी को मिलेगा. अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो देन देर इज अ फाइट. ठीक है, तो देयर इज अ 90 डेज चैनल विच वी हैव प्लान्ड. आई विल टेल यू, देखो बेटा, लाइफ प्रोसेस को आई वुड से न्यूट्रिशन 2 दिन ले लो, रेस्पिरेशन 2 दिन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन 2 दिन ले लो, एक्सक्रीशन 2 दिन ले लो. तो गाइस दीज 2 डेज, तो टोटल 8 डेज यू विल नीड 8 डेज. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर बायो. ओके, 90 डेज इज इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो यू कैन इंक्लूड. ठीक है, रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 डेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 डेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1 डे, 5 डेज, हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड, गाइस दिस विल से 1 डे, 1 डे, 1 डे, 1 डे, 4 डेज. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? इकोसिस्टम क्या होता है ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? डंपिंग पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब लिख सकते हो. गाइस एयर पोल्यूशन आ गया, दिल्ली का एग्जांपल लिख दो. वाटर पोल्यूशन आ गया, आप लिख दो एग्जांपल, अभी जो हैदराबाद में यू नो फ्लडिंग हुआ, मेजर फ्लडिंग हुआ, मुंबई में फ्लड्स आ गए. ठीक है, अर्बन फ्लड्स लिख सकते हो. ओजोन डेप्लीशन के बारे में लिख सकते हो कि CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय कर रहे थे ओजोन को, वो अब हट चुके हैं, तो ओजोन हैज बीन रिकवरिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. है ना बेटा, ओजोन क्या करता है? यूवी से प्रोटेक्ट करता है. और वेस्ट हमारे दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उनको सेपरेट करके रखना होता है. गाइस अगर आप ब्रॉडली देखोगे ना, ये चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही छोटे हैं. आप बस समझ पा रहे हो, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना. तो ये मान लो, ये आई गेस आपको ये पूरे ये 3-4 कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आपको 2 दिन लगेंगे पूरा पढ़ने में. मतलब इसमें टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं, बट इकोसिस्टम क्या होता है? इट्स अ सिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट. खत्म इकोसिस्टम हो गया. एग्जांपल क्या होते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, माय होम इज एन इकोसिस्टम, अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माय होम इज एन इकोसिस्टम. तो ये इकोसिस्टम हो गए. ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, है ना. तो ये सब लिख सकते हो. लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि ऑयल स्पिल्स हो जाता है ना, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड विद सीवेज वाटर. गंगा का एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मैं तो आपको बहुत जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ. अगर आप एक जनरल स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप ये कर लोगे. तो कैन यू सी गाइस, 8, 10, 19 डेज में बायो का हो गया सिलेबस. मतलब पूरा पूरा दिन भी नहीं देना आपको, बस 19 डेज. गाइस इफ यू सी न्यूट्रिशन का ना, माई 1 वीडियो इज ऑफ 1 आवर. मेरी एक 1 आवर की वीडियो देख लो, इट इज कंप्लीटेड. रेस्पिरेशन 1 आवर वीडियो, ट्रांसपोर्टेशन 1 आवर वीडियो अगेन, एक्सक्रीशन 1 आवर वीडियो, 4 आवर्स. कांट यू गिव 4 आवर्स इन 8 डेज? ओ माई गॉड, समझ पा रहे हो? तो 20 दिन मान लो यार, 20 दिन में बायो का हो गया. समझ रहे हो मेरी बातों को? 20 दिन में बायो का हो गया, बस बाय फोकस, बाय गिविंग 1 आवर. 1 आवर वॉच यूट्यूब गाइस, ट्रस्ट मी, टच वुड, मैं आपको बता रहा हूं. आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देख लो, मेरे क्या सारे टीचर्स के, यू आर गुड टू गो. आई प्रॉमिस यू 85%+. यू जस्ट वॉच द यूट्यूब वीडियोस, आई
इट इज अवेलेबल गाइस, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड ट्रस्ट मी, आप मेरी क्लासेस भी, यू वुड बी नोइंग स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो प्लेटफॉर्म पे, पेड प्लेटफॉर्म पे, देयर व्हाट वी हैव इज वी हैव लॉट्स ऑफ फन, है ना, देयर आई विल देयर डिटेल्ड स्टडीज वी डू, बट वॉट एवर आई एम गिविंग ऑन यूट्यूब इज गाइस वेरी कंसाइज, वेरी प्रसाइज, इट इज लाइक द जूस ऑफ वॉट एवर आई एम गिविंग, नो डाउट. जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उसमें भी वी फोकस ऑन यू नो अटेंडिंग, क्या कहते हैं, इन पेड क्लासेस वी फोकस मोर ऑन यू नो प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, ताकि उसको आपका अप्लीकेबिलिटी बढ़ जाए. बट हियर आफ्टर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, इफ यू पुट इन सम एफर्ट, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू हैव सीन वी हैव पुट एनसीईआरटी का सोल्यूशंस, वी हैव पुट माइंड मैप्स, है ना, वी हैव डन स्प्रिंट टेस्ट जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रखे हैं. तो गाइज, टू डेफिनेटली प्लीज मेक यूज ऑफ इट. वन आवर, 4 आवर्स, यू जस्ट गिव मी 4 आवर्स एंड योर वन चैप्टर विल बी डन. Here, I guess 1 hour, 2 hour, 3. I guess यहाँ पे भी मेरा 5 hours का कुछ sessions होंगे, 5 hours combined. 5 hours you are done. तो total 9 hours. Here head editing में again say 4 hours. 13 hours. Here say 2 more hours. 15 hours. Can't you give 15 hours in 19 days, guys? Tell me. 15 hours out of 19 into 24. 4 9 36 6 3 18 18 21 into 4 2 6 5 4 4 56 hours में से आप मुझे 15 hours दोगे तो ये खत्म नहीं हो जाएगा. यस, तो गाइज दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. दिस फॉर बायोलॉजी इट सेल्फ, 20 days फॉर बायोलॉजी. ओके, यू वांट टू गिव मोर डेज. ओके, गिव मोर डेज, 20 डालो, 35 days, 35 days फॉर बायो केमिस्ट्री एंड 35 days फॉर फिजिक्स. तो दिस इज नॉट की स्पेसिफिकली, अब किसी को बायो डिफिकल्ट लगती है तो यू कैन गिव 35 days टू यू नो बायोलॉजी एंड 20 days टू फिजिक्स, और सेम यू नो 35 days टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स एंड यू नो 20 days टू. तो गाइज इट इज वेरी वेरिएबल, यू कैन गिव 25 25 25 ऑल्सो. समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ डू गाइज, ठीक है. डोंट थिंक कि You cannot complete the backlog. Completing backlog is very, very, very much possible. ठीक है, as you can see, Vedantu students have bagged top ranks. अगर आप देख सकते हो तो yes guys, it is very much possible to study from home. Bhavya Singh and Gopal Dodia, thank you for writing such amazing comments, guys. We really love to read your comments. And yes, guys, you can go to the description. एंड यू नो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, यू कैन टेक अ प्रो सब्सक्रिप्शन. प्रो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, प्रो सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल द पेड क्लासेस, पेड वर्जन. उसमें क्या होगा सर बेटा, उसमें क्या होगा, उसमें वी विल बी डूइंग क्रैश कोर्सेस, है ना, क्रैश कोर्सेस होगा, रिविजन कोर्सेस होगा. तो गाइज दीज आर गॉन अभी आर फोकस, अभी दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स और रिविजन कोर्सेस होने वाले हैं. इसमें क्या होगा गाइज, वी विल कवर each and every previous year questions and aapko practice karai jayegi more to so that I guarantee you guys there'll be a increase of 10 to 15%. aur agar aapne zyada hi dhyan diya to 15 to 20% ka aapka increment ho sakta hai overall percentage mein. I guarantee you that, theek hai, by paying I guess 9000 or I guess 9000 or 7 8000, guys you can definitely go for this. Yes, so let's seek for class 9th. Guys, same thing, class 9th ke bhi 3 units hai, matter, nature and behavior, ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ड, मोशन वर्क एंड सॉरी फोर्स एंड वर्क. वेरी इजी, सेम थिंग गाइज, यू कैन डिवाइड सिमिलरली. देखो बायो में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज एंड हेल्थ एंड डिजीज, बहुत ही चिंदी चिंदी से चैप्टर है. इसको तो मैं मतलब कह रहा हूँ 2 आवर्स में, अगर आपने मेरा माइंड मैप सेशन देखो, माइंड मैप सेशन आ रहा है वो देखो, इसके बाद आप मेरे सेशन को फॉलो करो गाइज, 2 आवर्स में पूरा कर लोगे. टिश्यूज अगेन से लेट अस से 4 आवर्स देते, चलो 4 आवर्स या 5 आवर्स रख लो. हेल्थ एंड डिजीज गाइज अगेन 4 आवर्स, तो 2 5 4 10 15, चलो 15 5 5 5 रख लो, 15 आवर्स. दिस ऑल्सो गाइज ट्रस्ट मी इट इज वेरी लेस, 15 से 20 आवर्स फॉर फिजिक्स, 20 आवर्स फॉर केमिस्ट्री आउट इन 90 डेज, इट इज डेफिनेटली 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 पॉसिबल. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट गाइज, इट इज योर फॉल्ट बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट, है ना. तो दैट इज द होल पर्पज, वॉट आई वॉन्ट यू टू शो इज की मतलब यार बहुत टाइम है आपके पास, बट यार प्लीज डोंट बी मच रिलैक्स एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग योर वर्क राइट. एज यू कैन सी सेल आई सेट 5 आवर्स, हियर ऑल्सो 5 आवर्स, हियर ऑल्सो 5 आवर्स. ठीक है गाइज, आउट ऑफ 3 मंथ्स कांट यू टेक आउट 5 आवर्स? यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियोज, ठीक है गाइज, हार्डली 30 मिनट्स की वीडियोज होंगी एंड यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली वर्क बेटर. यस यस गाइज, ग्रेट ग्रेट. Guys, do subscribe to the channel, like the video and share it with your friends.
है ना। एंड यस गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन बाय गाइस, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।